मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो फ्राइडे से स्टार्ट किया था मैंने और सैटरडे तक कंटिन्यू किया है, मतलब दो दिन की वीडियो है ये। अभी हो रहा है फ्राइडे मॉर्निंग और जैसा कि होली आने वाला था तो उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने की है साफ़ सफाई से रिलेटेड, और जो खाने की चीज़ें हैं वो मैंने सैटरडे बनाई थी तो वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल जो सुबह वाले सारे काम होते हैं ना वो निपटाए जा रहे हैं, और तीन दिन की लगातार छुट्टी रहती है ना, जैसे कि सैटरडे संडे और मंडे तीन दिन की लगातार छुट्टी और त्यौहार भी है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि फ्राइडे जितना काम है ना वो सारा मैं निपटा लूँ। ऐसे ही हमेशा करती हूँ मैं, वीकेंड से पहले कोशिश करती हूँ कि जितना भी काम होता है ना, ये मोटा मोटा लाइक कपड़े धोने वाला काम या कुछ भी एक्स्ट्रा टाइप का काम है ना वो निपटा लो, थोड़ा हल्का रहता है वीकेंड तो अच्छा लगता है। तो आज मेरा मिशन यही है कि ज़्यादातर मैं काम निपटा लूँ, बस थोड़ा सा काम वो बचेगा मेरा डस्टिंग का, वो मैं सैटरडे मॉर्निंग में ही करने वाली हूँ, तो सैटरडे मॉर्निंग में वो भी करके निपट जाएगा। बाकी और सारा काम हो चुका है, बाकी खाली कुकिंग रह जाएगा। जो चीज़ें मुझे त्यौहार के लिए प्रिपेयर करनी है वो सैटरडे संडे में मैं प्रिपेयर करके तैयार कर लूँगी। कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, जैसे नमक पारे बना चुकी हूँ, मठरी बना चुकी हूँ, और गुजिया, बस होता है गुजिया बनाना, और शक्कर पारे सिद्ध के लिए बनाना है, और उसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ तो वो आप देख सकते हैं, बट वो आगे मैं बनाऊँगी। फ़िलहाल जो है बस सुबह के काम चल रहे हैं। और हाँ, लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी ना तो आप लोगों ने बोला कि आपने बोला फ्रिज आ चुका है, लेकिन इस वाली वीडियो में फ्रिज दिखाई नहीं पड़ा। तो एक्चुअल में फ्रिज जो है ना फ्राइडे यानी सेम डे जिस दिन मैं अभी आपको जिस दिन का क्लिप दिखा रही हूँ फ्राइडे आया था, और जो लास्ट आपने वीडियो देखी ना वो थर्सडे की थी, इसीलिए ना आपको उस वीडियो में फ्रिज नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि फ्रिज तो फ्राइडे आया था और वो वीडियो थर्सडे की थी। तो आज फ्राइडे है जिस दिन मैं ये वर्क सारा निपटा रही हूँ, तो आज जो है फ्रिज आने वाला है। आप में से कई सारे लोग फ्रिज को इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वो भी लेने का प्लान कर रहे हैं और एक आइडिया वो लेना चाहते हैं कि कितना बड़ा कैसा, तो वो सारे रिव्यू तो मैं बाद में ही शेयर करूंगी, बट फिलहाल आज आपको दिख जाएगा कितना बड़ा किस कलर में कैसा हम ले रहे हैं, तो वो आप आज की वीडियो में देख लोगे। तो सुबह मैं शूट कर रही थी ना, ये मेरे कैमरे की बैटरी चली गई और दो बैटरीज हैं, दोनों बैटरीज चार्ज नहीं थे, तो इसीलिए फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। और उसके बाद फिर थोड़ा सा ना मुझे आज ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर मैं आराम वगैरह करने लग गई और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया फिर आगे। बस सुबह ना ये बादाम वगैरह भी ऐसे ही रखे रह गए, ये खाली इसके पापा को मैंने सुबह छील करके दे दिया था, हम दोनों ने खाया ही नहीं था। तो अभी मैं बैठी हूँ, बादाम छील के दे रही हूँ, और साथ में हमारा फ्रूट्स टाइम भी है अभी, तो फिर एप्पल। मैं भी खाली कर हुआ क्या? ओहो, मैं भी एक्साइटेड हूँ। तुम भी एक्साइटेड हो, तुम जा रहे हो, मेरी आइसक्रीम मिलेगी। अरे आइसक्रीम है, उसको खत्म कर दो। अरे यार मैं तो गई होगी, अब मैं खाऊंगा यार सारी। पापा ने बिल्कुल नहीं खाया बेटा, पापा ने एक बार खाया था, उसके बाद खाया ही नहीं, लेकिन मुझे भी मिलेगी ये, एक्चुअल में पापा की है, मुझे भी मिलेगी। लेकिन मैं रोऊंगा, मैं छोटे से बच्चे को नहीं मिलेगी आइसक्रीम, छोटे से बच्चे को नहीं मिलेगी आइसक्रीम। हाँ देखो आइसक्रीम बच्चे को है। और टाइम आप देख सकते हैं 7:15 के आसपास का टाइम हो रहा है, और फ्रिज की डिलीवरी कुछ देर में आने वाली 8:15 तक आएगी। वैसे टाइम तो उन्होंने 7 बजे का दिया था, लेकिन मुझे पता था कि 7 बजे का टाइम है तो 8 या 8:30 वो लोग बचा ही देंगे। तो अभी मैं कर रही हूँ पूरा फ्रिज खाली, सारी चीज़ें निकाल के रखूँगी, थोड़ी बहुत सब्जियाँ हैं और जो रेगुलर हम लोग रखते हैं ना चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं। और फ्रिज हालांकि मैंने ना शाम के 4:30 या 5 बजे से ही ऑफ कर दिया था। सिद्धार्थ आजकल बहुत देखता है, पता है क्या? क्या? वो ASMR फूड जो ईटिंग वाले होते हैं ना, मुझे भी बहुत पसंद आते हैं, तो वही कर रहा है, आके दिखा रहा है कि देखो खा रहा हूँ मैं। मुझे भी कभी करना है माइक से, करना है थोड़ा मजा आता है। तुम तो खाली करने वाले थे, करवाओ खाली। मैं
अरे क्या हुआ? ठंडा नहीं रहेगा तो फ्रिज में क्या गर्म रहेगा? तो फ्रिज खाली कर दिया है अभी। यहाँ पे ना वो रखी है मैंने, मटर ना स्टोर करके रखी थी यहाँ पे, मटर छील करके उसको फ्रीज़र में डाल दिया था। तो यहाँ पे देखो ना, ये अभी तो मैंने घंटों से बंद करके रखा है इसलिए ये इस कंडीशन में, अदरवाइज़ इतना मोटा मोटा इसमें यहाँ तक इधर और यहाँ तक इधर आइस जमी रहती है और बीच में एक हाथ ढलने की जगह रहती है, आप आइस क्यूब भी नहीं रख सकते हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ना जमा हुआ है तो ये हट जाएगा, तो मैं ये मटर निकाल लूँगी जो मुझे आज ही यूज़ करने होंगे अदरवाइज़ ख़राब हो जाएंगे। बाकी ये सारी बॉटल्स हैं, केचप, सॉस, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, कुछ मसाले, कॉफ़ी और ये जो सिद्धार्थ के पिज़्ज़ा मसाला, ये सब बाकी और थोड़ी बहुत ये चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं। मैंने ज़्यादा चीज़ें रखी ही नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि अभी फ्रिज आएगा, उसके बाद फिर डेमो पर्सन अब आज तो आएंगे नहीं, ऑलरेडी 7:30 हो चुका है तो डेमो पर्सन अब कल ही आएंगे और उससे पहले हम फ्रिज को चला भी नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाहर ही रखनी होंगी, इसलिए सब्ज़ी वगैरह भी नहीं मंगाई 2 दिन से। तो क्या, तो अब जब आएगा तब हम दिखाएंगे, हमने अपना काम कर दिया यहाँ से। अरे उसको क्यों कर रहे हो, बिल्कुल छटक के लगे नहीं सीधा ध्यान से। तो फाइनली इतनी जद्दोजहद हुई लेकिन हाँ, फ्रिज जो है वो आ ही गया और ये मुझे ज़रूरी भी हो गया था लेना। जब वो सब हुआ था ना तो एक बार को मन किया कि प्रोग्राम ड्रॉप कर देते हैं, और ऐसा जनरली होता ही है जब हम कभी कभी ना बहुत मन से कोई काम को करने का स्टार्ट करते हैं और उसमें कुछ ऐसी अड़चन आ जाए ना तो फिर मन फीका हो जाता, लगता है छोड़ो यार अब बाद में ही करेंगे। ऐसा एक बार को मन आया लेकिन मैंने सोचा पूरी अभी समर्स पड़ी हैं और फ्रिज की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो समर्स में ही होती है, सिर्फ ठंडे पानी के लिए नहीं। जो भी हम सब्ज़ियाँ लाते हैं, चीज़ें लाते हैं, वो बिगड़े ना, ख़राब ना हो, उनके लिए हमें फ्रिज चाहिए होता है। और जिस दिन फ्रिज हमने लौटाया था उसके अगले दिन ही हमने फिर ये फ्रिज फाइनल कर दिया। आ गया फ्रिज? हाँ फ्रिज आ गया। हैप्पी? Yes, इतने सैड क्यों दिख रहे हो? सैड नहीं हूँ बेटा, तबीयत इज नॉट गुड। एक बार फ्रिज दिखा दूँ फ्रेंड्स को? मैं दिखा चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है चाय, दिखाओ मैं दिखाओ। चाय पहले सबसे हाय हेलो तो कर लिया जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हैं आप सभी? और आज है सैटरडे, सैटरडे मॉर्निंग हो रही है, अभी 9:45 हो गया है। उठ हम सब लोग गए थे 6 बजे, सब लोग उठ गए थे, वॉक वगैरह सब करके आ चुके हैं। और मेरी तबीयत थोड़ी आज भी ढीली है, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है। और साथ में एक बढ़िया सी सब्जी। एक बढ़िया सी सब्जी कौन सी? वही सब्जी तुम डिसाइड करो, मैंने तंदूरी रोटी डिसाइड करी। आपको हर समय तंदूरी रोटी सोचता है। 2 दिन की छुट्टी रहती है उसमें मेरा अच्छा खाने का मन होता है, वैसे तो बाकी दिन भी अच्छा है। खाना तो हर दिन मिलता है ऐसे क्योंकि 2 ही दिन खाना मिलेगा टेस्टी और स्पाइसी, रोज ही मिलता है भाई, स्पाइसी एंड टेस्टी, स्पाइसी एंड टेस्टी। और पापा को क्या रहता है ना बेटा, आराम से बैठ के खा नहीं पाते हैं पूरे वीक में। अब बताओ क्या बना सकती हो? सोचते हैं, बढ़िया सी सब्जी चाहिए ना आपको। हाँ। और उसके साथ तंदूरी रोटी। हाँ। मिल जाएगी। और मेरी किचन की हालत को ना बस देख लो, आप कुछ बोलना मत। ये देखो क्योंकि फ्रिज हाँ एक्चुअली डेमो नहीं हुआ ना, तब तक हम उसको चला नहीं सकते हैं, डेमो वाला आ जाएगा आफ्टरनून तक। तो मेरा फ्रिज का सारा सामान, सब्जी वब्जी जो भी बचा हुआ था, सब दूध सब प्लेटफॉर्म पे, सब कुछ। तो बहुत बुरी हालत है। और यहाँ पे बन रहा है, पोहा बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आलू किए, पीनट्स
पोहा भिगो के रखा हुआ है, चाय बन रही है और इन लोग के लिए एग उबल रहे हैं। यहाँ पे प्याज व्याज काट के रखा है। हमारा नया नया नवा नवा फ्रिज आ गया है, अब इसमें रखने के लिए सब्जियाँ लानी है क्योंकि दो दिन से हम लोग सब्जी ला नहीं रहे थे, क्योंकि महीने भर का सब्जी ला के रखते हैं। महीने भर नहीं, वैसे हफ्ते से ज्यादा ठीक है। एक हफ्ते का सब्जी बहुत होता है, उतना से ज्यादा उतने से ऊपर खाना भी नहीं चाहिए। हाँ, फ्रेश ही खाना चाहिए, दो तीन दिन का है ना, तो इतना बड़ा क्यों ले लिया थे। खाली सब्जी थोड़ी ना रखनी होती, फ्रिज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम बाहर रखते थे जो कि फ्रिज में रखनी चाहिए क्योंकि फ्रिज में जगह नहीं थी। ये और बड़ा ही है, आपने अपनी मर्जी से लिया, मैं तो 394 में एकदम सैटिस्फाइड थी। 415 रुपए का डिफरेंस हो गया, फिर भी थोड़ा सा तो बड़ा है उससे, 20 लीटर का फर्क है। साइज तो साइज एकदम यही था, ब्रेथ वही था, लेंथ वही था, सब कुछ वही था, बस वो इतना था मुझे लगता है। नहीं नहीं, लेंथ में 2 इंच का फर्क था बस, इसमें 20 लीटर का फर्क आ गया। अरे तो ब्रेथ बढ़ गया, ब्रेथ थोड़ा सा बढ़ा है, 26.5 था ये 27 है, और ये बढ़ गया डेप्थ, डेप्थ में अंतर है, डेप्थ में थोड़ा सा अंतर है, थोड़े थोड़ा से तो चीजें बढ़ जाती हैं। बहुत ज्यादा पापा के साथ मस्ती हो रही है तुम्हारी आज, तुम अपनी क्लास की तैयारी करो, क्लास है तुम्हारी 1 घंटे बाद, ठीक है, और मैं बना के लाती हूँ, सुन लो पोम। तो ये लास्ट सैटरडे का आपको याद होगा, लास्ट सैटरडे हमारे घर सब्जी आई थी और आज सैटरडे है, उस टाइम ही ये धनिया धो करके, जब मैंने रात को सब्जियां धोई थी और पंखे के नीचे ड्राइंग रूम में सुखाई थी ना, ये देखिए ये उसी दिन का धनिया है। और ये इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि धनिया आप कैसे स्टोर करते हो जो 5-6 दिन चल जाता है, तो ये 5-6 दिन नहीं, पूरे 7 डेज हो चुके हैं, पूरा 1 वीक इसको हो चुका है, और ये कल रात से फ्रिज से बाहर है, अब इसका ये हल्का सा ये हो गया, अदरवाइज़ ये एकदम फ्रेश धनिया है। तो किसी भी डिब्बे में इस तरीके से टिश्यू पेपर लगा के अगर आप धनिया स्टोर करते हो ना, तो फिर वो 7 दिन तक आराम से फ्रेश होके चल जाती है। तो देखिए कितनी अच्छी, एक आधी ख़राब हुई है वो भी इसलिए क्योंकि कल से फ्रिज से बाहर है। तो ये जाएगी अभी पोहा के अंदर। ब्रेकफास्ट अच्छा हैवी हो गया, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं अपने काम में लग गई क्योंकि मुझे आज करनी थी पूरा डस्टिंग, डस्टिंग इन द सेंस मतलब जो दीवाले वगैरह जाले वगैरह झाड़ के करते हैं ना वो करनी थी मुझे, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो कॉर्नर्स होते हैं ना घर के उनमें मैंने हमेशा देखा है कि सबसे पहले वहीं पर जाले लगने शुरू होते हैं, तो कॉर्नर काफ़ी गंदे थे, और जितना भी रिच में मेरे दीवाल थी उसको मैंने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से पोंछ दिया है। और वैसे भी अब तो टाइम आ गया ना डस्ट वाला, क्योंकि हम लोग खिड़की दरवाजे सब खोल के भी रखते हैं गर्मी की वजह से, हवा की वजह से, और उसके थ्रू इतनी सारी डस्ट आती है घर के अंदर कि एवरी डे डस्टिंग करने के बाद भी सुबह करो शाम तक हल्की फुल्की डस्ट आपको हर जगह दिख जाएगी। तो ये तो खैर हर घर का प्रॉब्लम है, लेकिन फ़िलहाल आज मैं नीचे की डस्टिंग तो करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं ऊपर का ये सारे जो जाले वगैरह हैं वो हटाऊंगी ताकि वो सब नीचे आ जाएं, उसके बाद डस्टिंग करके, और उसके बाद पूनम जो है वो झाड़ू पोछा कर देगी, और बस ये घर हमारा जो है वो फाइनल हो जाएगा, फेस्टिवल रेडी हो जाएगा। दोपहर हो चुकी है, मतलब 12:30 हो रहा है और अभी तक मुझे नहाने का चांस नहीं मिला, ये दोनों लोग नहा के तो सुबह ही रेडी हो गए। मैं साफ़ सफाई में लगी हुई थी और अभी ये ज़रूरी था क्योंकि फ्रिज ऑन नहीं है, और दूध मैं 4 किलो ले आई थी तो इसको उबाल करके मुझे खोया बनाना था, तो अगर इसको अभी नहीं चढ़ाऊँगी तो ये थोड़ी देर में ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा पहले नहाने से पहले इसको एक बॉयल लगा के धीमा करके चली जाती हूँ, फिर मैं नहाने जाती हूँ, और इसको बीच बीच में तब तक हस्बैंड देख लेंगे, चलाते रहेंगे। खोया बनाऊंगी, और आज गुजिया नहीं बनेगी, गुजिया मैं कल ही बनाऊंगी, और गुजिया वगैरह की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं, बट मैं आज नहीं कल गुजिया बनाऊंगी, और आज मैं शक्करपारे भी बनाऊंगी, सिद्धार्थ का डिमांड है कि शक्करपारे खाने हैं उसको, तो वो भी बनेंगे। पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं खोया। और सुबह जैसा कि आपने सुना होगा कि बात चल रही थी तंदूरी रोटी बनने की, तो देखो ऐसे ही होता है, सुबह मन था कि तंदूरी रोटी खाएंगे और दोपहर आते आते मन हुआ कि नहीं दाल और चावल,
और शिमला मिर्च की सब्ज़ी खाने का मन हो रहा है। तो आज हमारा ये लंच था, दाल चावल और आलू, आलू नहीं थे इसमें, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च की ये सब्ज़ी बनी थी जो कि बहुत बहुत टेस्टी बनती है। तो ये आज का हमारा लंच रहा। और फिर ये मैं सीधा इवनिंग का दिखा रही हूँ। इस बीच में क्या हुआ, दोपहर में डेमो पर्सन आए थे, उन्होंने डेमो दिया और डेमो के बाद ना फिर क्या होता है कि आपको फ्रिज चला करके खाली, उसके अंदर कुछ रखना नहीं होता है, सिर्फ उसे चला करके छोड़ देना होता है 2 से 2.5 घंटे के लिए। तो 2.5 घंटे के लिए फ्रिज हमने चला के छोड़ दिया, कूलिंग वगैरह भी उसका चेक कर लिया, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। जब सारी चीज़ें फाइनल हो गई तो उसके बाद शाम को फिर हमने फ्रिज बंद किया और इसके अंदर की सारी अटैचमेंट्स मैंने निकाली हैं, उनको वॉश किया है, फ्रिज को अंदर बाहर से अच्छे से क्लीन किया है। अभी जब मैं ये शूट कर रही हूँ तो मैं ये सारा काम कर चुकी हूँ, फ्रिज की सारी अटैचमेंट वगैरह निकाल के वॉश करके उनको अच्छे से पोंछ करके हम दोबारा लगा चुके हैं और फ्रिज एकदम अंदर बाहर से हमने क्लीन कर लिया है। बस अब फ्रिज को सेट करना बाकी है, बिकॉज़ बहुत सारा सामान था जो बाहर रखा हुआ था और वो सामान मैं कहीं और भी नहीं रख सकती, तो प्लेटफॉर्म पे ही सारा रखा हुआ था, सब्जियां थी, बहुत सारी चीज़ें थी छोटी मोटी, तो सारा मैं पहुंच करके हटाऊंगी और प्लेटफॉर्म को क्लीन करूंगी। और ये वीडियो फिर मैंने इससे आगे कंटिन्यू नहीं किया है, आगे आपको जो फेस्टिवल की वीडियोज़ हैं, छोटी होली और बड़ी होली, मतलब कलर वाली होली, उन सब की आपको वीडियोज़ आगे मिलने वाली हैं। बट फिलहाल यहाँ पे मैं ये वीडियो एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।